हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इम्यून सिस्टम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ चैप्टर का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी खुद को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? फॉरेन एजेंट्स से। फॉरेन एजेंट्स कौन है? लाइक बैक्टीरिया, वायरस, अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट्सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। क्या है? बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट्सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट करे किससे? अपने को फॉरेन एजेंट, बाहरी एजेंट से। एबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट क्या है? वो एजेंट जिस बॉडी पे जाके रहेंगे उससे न्यूट्रिशन लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। तो एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज। क्या करता है? डिजीज से फाइट करता है। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम कॉल्ड इम्यूनिटी। तो क्या है जो फाइट करता है उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उस होस्ट बॉडी का सिस्टम? तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। टू टाइप की इम्यूनिटी होती है, नेचर ने दे रखा है एक इनेट एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी मीन्स बोला जाए कि विथ बर्थ, जन्म के साथ ही जो आपको इम्यूनिटी मिले उसको क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो क्या बोला है? इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? देखिए, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ भी स्पेशल बाहर से नहीं ऐड किया है, कुछ भी स्पेशल बाहर से नहीं ऐड किया है। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू एंट्री टू द फॉरेन एजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जितने भी बैरियर्स हैं, लाइक वो बैरियर्स जो हमको प्रोटेक्ट कर सके, जैसे अभी आप देखेंगे कि क्या होगा कि म्यूकस है, ठीक है, और हमारी स्किन है, तो ये सब क्या है? ऐसे बैरियर्स है जो एंट्री रोक रहे हैं किसके? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए फिजिकल बैरियर। अगर फिजिकल बैरियर की मैं बात करूँ तो स्किन, स्किन क्या है? फिजिकल बैरियर है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेन बैरियर है। देखिए यही क्या है, यही जो है लार्जेस्ट ऑर्गन भी है बॉडी का, स्किन, क्योंकि पूरी बॉडी में स्किन फैला होता है ना। उसके बाद देखिए एक म्यूकस की कोटिंग। अब एक चीज़ है कि जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे ये मैं बनाऊँ, अगर बात करूँ डाइजेस्टिव की, मान लीजिए डाइजेस्टिव कैनाल है, तो साइड साइड में क्या है? म्यूकस की मेम्ब्रेन होती ही होती है। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी कैनाल देख लीजिए, वहाँ भी क्या होता है? वहाँ भी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि म्यूकस की मेम्ब्रेन इसलिए कि अगर जो भी चीज़ें देखिए एंट्री कर रही हैं यहाँ पे, है ना, अगर उसके साथ बैक्टीरिया वायरस भी एंट्री कर गए तो उस केस में क्या होगा? म्यूकस साइड साइड से यहाँ से रिलीज होगा और बैक्टीरिया को क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा, और ये जो बीच का रास्ता है, ये जो बीच का रास्ता है उसको क्या करेगा? क्लीन करेगा। तो ये बोला जाए कि म्यूकस किस लिए होता है? जो कि क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है या बैरियर की तरह एक्ट करता है फॉरेन एजेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपका ये जो मेन रास्ता है ये क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? इंटरनल ग्लैंड से रिलीज होने वाली चीज़ें, रिलीज होने वाले एंजाइम्स और कंपाउंड्स बोला जाए। जैसे बोला जाए कि एसिड है, ओके, तो क्या हो रहा है कि एसिड रिलीज हो रहा है कहाँ से? स्टमक से। तो अभी ये क्या करेगा? एसिड जितने भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस एसिड के एनवायरमेंट में नहीं रह सकते हैं, अगर वो बॉडी में एंट्री कर गए तो क्या हो जाएंगे? एसिड के द्वारा डाइजेस्ट हो जाएंगे। ऐसे देखिए सलाइवा होता है माउथ में, माउथ के सलाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल नेचर होता है। अगर हमारे फूड मटेरियल के साथ बैक्टीरिया वगैरह एंट्री कर गया तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, ओके। तो ऐसे ही क्या होता है? टीयर्स फ्रॉम आइज, वहाँ भी क्या होता है? वहाँ भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिसका नेचर क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल। तो ये सब क्या करते हैं? सभी प्रोटेक्ट करते हैं किससे? फॉरेन एजेंट से। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही क्या है? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है? सेल्स, ऐसी सेल्स जो प्रोटेक्ट कर सके अगर बॉडी में एंट्री हो गई माइक्रो, जैसे WBC, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स नाम सुना होगा, ये क्या है? सेलुलर बैरियर है। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इनका नेचर फैगोसिटिक, इन सभी, ये सब क्या है? सेल हैं या तो टिश्यू है, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन एजेंट से।
कैसा नेचर है? फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब होता है कि भक्षण करना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हैं, वो क्या अगर एंट्री कर जाते हैं तो ये जितनी भी सेल्स आप अभी नाम देख रहे हैं वो क्या करते हैं, सब के सब इसको डाइजेस्ट करके खा के ख़त्म कर देती हैं। खाने का मतलब है कि इसको डाइजेस्ट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। साइटोकाइन बैरियर की बात करूँ, साइटोकाइन क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक, अब एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक, इसको क्या कर दिया, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, यहाँ पे क्या है वायरस वगैरह कुछ हो गए जिनकी वजह से ये इन्फेक्ट हो गई। ठीक, तो अब क्या है कि ये अब अगल बगल भी क्या है सेल्स हैं इसके, तो अगल बगल भी क्या धीरे धीरे प्रभावित होने लगेंगी। बट होता क्या है कि ये जो वायरस से इन्फेक्टेड है ये क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, इस केमिकल को बोलेंगे इंटरफेरॉन। ठीक, ये क्या, हाँ देखिए लिखा हुआ इंटरफेरॉन, यही केमिकल। तो क्या है कि ये जो केमिकल, ये जो इंटरफेरॉन है, ये क्या करेगा, ये केमिकल इसको इसको या अगल बगल जितनी भी सेल्स हैं सबके सबको क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा। किससे? वायरस के इन्फेक्शन से। किससे? वायरस के इन्फेक्शन से। तो ये क्या हो गया, साइटोकाइन बैरियर हो गया। तो इंटरफेरॉन, ये नाम कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, क्या है, एक थी नॉर्मल सेल, इसमें वायरस की एक्टिविटी हो गई तो ये क्या हो गया, ये वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। अब क्या होना चाहिए, अगल बगल वाली सेल को भी प्रभाव पड़ना चाहिए। बट होता ये है कि इससे क्या होता है, इससे केमिकल रिलीज होता है, इस केमिकल को बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये केमिकल क्या करता है, अगल बगल की सेल को प्रोटेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो यहाँ लिखा है, देखिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्लियर? चलिए, तो अभी देखिए क्या है, ये इननेट इम्यूनिटी के टाइप्स थे, बैरियर्स थे मीन्स। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या, पैथोजन स्पेसिफिक है। पैथोजन स्पेसिफिक मीन्स बोला जाए जिस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसी प्रकार की इम्यूनिटी हमारी बॉडी जनरेट करेगी। ठीक, तो अब देखिए क्या, इसीलिए बोला पैथोजन स्पेसिफिक है कैरेक्टर। अच्छा, जन्म से ही नहीं है कि बर्थ से है, पहले से बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार की इम्यूनिटी पहले से नहीं बनी होती है, ये कब बनती है, जब इंट्री करता है आपकी बॉडी में पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जब ये सब इंट्री करता है उसके बाद बन रहा है। इसीलिए क्या बोला गया है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म के बाद से है ये। तो क्या बोला है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ इसका मेन कैरेक्टर क्या है, मेमोरी का। ठीक है, तो मेमोरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बार जिस टाइप का पैथोजन एंट्री कर गया और उसके अपोजिशन में एक बार एंटीबॉडी बन गई, तो वही एंटीबॉडी क्या होती है, अगली बार अगर सेम पैथोजन फिर से एंट्री किया तो उसके लिए बनी रहती और फिर से आके प्रोटेक्ट करती है। यहाँ बोला है कि दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर एंड पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। मीन्स क्या है कि अगर एक बॉडी हमारी पहली बार पैथोजन को दे इनकाउंटर कर दी है, मीन्स उसको डेड कर दिया है, मार दिया है, तो वो उनका पहला रिस्पॉन्स है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार हमारी बॉडी ने क्या किया, काम किया पैथोजन के आने के बाद। ठीक, प्राइमरी रिस्पॉन्स सो स्लो इंटेंसिटी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अब देखिए इस प्रोसेस में काम थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे पहले क्या होगा, पैथोजन आएगा, पैथोजन क्या करेगा, एंट्री करेगा, फिर क्या करेगा, वो वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और रिप्रोडक्शन शुरू करेगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जब वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेके प्रभावित करने लगेगा, तब हमारी बॉडी क्या करेगी, तब हमारी बॉडी उसके अपोजिशन में कुछ भेजेगी कि भैया जाओ उसको ख़त्म करो। तो इन सब में टाइम लग जाता है, इसलिए बोला है प्राइमरी रिस्पॉन्स सो लो इंटेंसिटी, ये थोड़ा सा धीमे काम करता है। क्या बोला, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर वही पैथोजन फिर से आया, इलिसाइट अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या एनाम्नेस्टिक। अगर अगली बार यही पैथोजन आ गया तो क्या होगा, जब दूसरी बार उसी पैथोजन को मारने के लिए सेम टाइप के मतलब सैनिकों को बोला जाए, फिर से भेजा जाएगा कि जाओ पहली बार जिसको मारा था वही फिर आए हैं, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा बोला हाईली इंटेंसिफाइड, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे,
क्योंकि इनकी आर्मी तो पहले ही, आपने सेना तो पहले ही तैयार कर रखी है और एक बार दुश्मन को मार के प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो अगली बार जब वही दुश्मन आएगा तो उसकी स्ट्रेटेजी तो वही होगी, उसी तरह से अटैक करेगा। बट आप सब कुछ जानते हो उसके बारे में, तो आप एक ही बार में मारोगे और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसी को बोला गया सेकेंडरी या एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। इससे ये चीज़ पता चलती है कि हमारी बॉडी के पास मेमोरी है, मेमोरी आ चुकी है पहले इनकाउंटर, पहला इनकाउंटर उसको याद है कि हमने कैसे मारा था, तभी तो दूसरी बार फटाफट मार दिया ना। इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, मेमोरी है, मेमोरी थी यहाँ, तो वो क्या था, स्पेशल इसका केस था या स्पेशल कैरेक्टर था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल लिम्फोसाइट्स। यहाँ दो स्पेशल प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं, उसी की हेल्प से क्या होता है, ये रिस्पॉन्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी से आया है एक्चुअल बोन मैरो, आपने नाम सुना होगा बोन मैरो का, ठीक है, बोन मैरो। और इसकी टी की बात की जाए, टी इसलिए आता है क्योंकि थाइमस का नाम आता है, क्या नाम आता है, थाइमस, ठीक है। थाइमस क्या होता है, चेस्ट रीजन में बोला जाए, बिलो द नेक रीजन और बैक साइड ऑफ चेस्ट रीजन थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। बट आफ्टर बोला जाए कि एजिंग के दौरान क्या होता है, इसका साइज छोटा हो जाता है। क्या बोला, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, जो आ रहा है ना मारने के लिए पैथोजन को, क्या है वो, पूरी की पूरी आर्मी है। किसकी आर्मी है, प्रोटीन की आर्मी है, वही आया था पैथोजन को मारा था। क्या नाम रखेंगे उसका, उसका नाम रखेंगे एंटीबॉडी, कोई नाम तो रखना पड़ेगा ना अपनी सेना का, तो हमने क्या रख दिया, एंटीबॉडी रख दिया। तो क्या बोला है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन टू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। और ये बी लिम्फोसाइट इस एंटीबॉडी का हमारे ब्लड में बनाता है, ठीक है। ब्लड में क्या होगा ना, ब्लड में बनाएगा तो ये आसानी से हर जगह पहुंच जाएंगे, जहां के भी पैथोजन है वो वहीं पहुंच के, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। द टी सेल देम सेल डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस देम। टी सेल एंटीबॉडी तो नहीं बना सकता, बट बी सेल की मदद जरूर कर देता है कि भैया हम भी साइड में खड़े, जो हेल्प लेनी है ले लो, हम कर देंगे। चलिए अब किसी हमारी सेना का रूप रंग तो देखना पड़ेगा कैसा है, पर हमें तो पता ही नहीं है। पैथोजन तो बैक्टीरिया तो पढ़ रखा है, वायरस पढ़ रखा है, 11th में प्रोटोजोन पढ़ रखा है, बट अपनी एंटीबॉडी तो नहीं जानते, हमारी सेना भी तो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, तो वही देखना है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। यहाँ पे क्या, 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 छोटी होती है, 2 बड़ी होती है। छोटी वाली को लाइट चेन, बड़ी वाली को हैवी चेन, सिंपल सी बात है। एंटीबॉडी तो H2L2 मत, 2 हैवी 2 लाइट। अच्छा एंटीबॉडी, खास बात है हमारी सेना में जैसे होता नहीं, और वायु सेना है, जल सेना है, थल सेना है, वैसे ही क्या होता है, एंटीबॉडी के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे IgA, IgM, IgG, IgE, इस टाइप से डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी हमारी भी आर्मी है। ये देखिए किसी एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 4 आपको दिख रहा है ना, ये 2 हैवी, ये देख रहे हैं, 2 लाइट देख रहे हैं, ठीक है। अपर साइड क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइड, इसी साइड पे आके, इसी साइड पे आके क्या लगेगा, एंटीजन, एंटीजन बोले तो आपका पैथोजन आके लगेगा, ठीक। नीचे क्या है देखिए, सीरीजन है, क्या है, सीरीजन है। सीरीजन की चर्चा मुझे अभी करनी है, बट देखिए एक्चुअल में होता क्या है, देखिए प्रोटीन क्या बोला है, ये प्रोटीन है ना, आर्मी ऑफ प्रोटीन है, मीन्स एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है, उसी प्रोटीन को आपने क्या नाम दिया, एंटीबॉडी नाम दिया, ठीक। चलिए तो हम ये सी रीजन की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सी क्या है। अब प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से, किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड, ए शॉर्ट में लिख रहे हैं। किसी एक जनरल अमीनो एसिड का सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें, बीच में होता है सी, ठीक, इधर होता है COOH, नीचे होता है आपका H या R, अगर नीचे H लिख रहे हैं तो R ग्रुप ऊपर लगा दीजिए, क्या करना है, थोड़ा सा हम और छोटा लिखेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। फिर से देखते हैं, ये C रखा है आपका, ठीक, नीचे क्या है, H हो रखा है, ऊपर क्या है, R है आपका, R कोई भी ग्रुप है जो लगा हुआ है, इधर क्या है, COOH ग्रुप है हमारा, SD ग्रुप है,
इधर क्या है, एनएच टू ग्रुप है, ठीक है, एनएच टू ग्रुप। ओके तो ये है, तो अभी देखिए क्या है, ये एक सी है, ये एक एन एंड है, ठीक। अब एक जनरल अमीनो एसिड का कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ऐसे जैसे एक अमीनो एसिड है ऐसे ही और भी होंगे, तो सबके सब क्या इधर चेन में, इधर चेन में ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। तो देखिए एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब अमीनो एसिड ऐसे जुड़ेंगे, फिर अमीनो एसिड ऐसे जुड़ेंगे, फिर तो एक टाइम आएगा कि जब ये चेन ख़त्म होगी तो एक साइड एन वाला बचेगा, एन बचेगा, और एक साइड क्या बचेगा, सी वाला बचेगा, ठीक। तो इसीलिए बोला जा, नीचे क्या बोला जा रहा है, सी, इसीलिए यहाँ पे जो डायग्राम में ये सी लिखा इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक। ऊपर वाला एन नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे तो एंटीजन आके बाइंड हो जा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए छोटा सा एन लिखा भी है इधर भी, बट यहाँ पे सी और यहाँ एन, देख रहे हैं, एक साइड लिखा है इससे इधर एन नहीं लिखा है। तो क्या इसी वजह से सी टर्मिनल लीड और एन टर्मिनल, यही रीज़न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट देखिए बड़ा हॉच पॉच हो गया है तो इसको हम हटा देते हैं, तो बस समझने के लिए था। ठीक है, तो क्या बोला, अपर पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी कंटेन एंटीजन बाइंडिंग साइट, अभी आपने देखा अपर पोर्शन पे है, एट दिस साइट एंटीजन बी कंबाइंड एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। हाँ, एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है, ये आपको जानना चाहिए। डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द एंटीबॉडीज, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एस एस के बॉन्डिंग, देख रहे हैं हर जगह प्रेजेंट है, तो बोला है बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ध्यान रखिएगा ये ब्लड में है अगर, चूंकि ब्लड में ही एंटीबॉडीज बन रहे तो ह्यूमरल, ऐसे ही सेल्स के लिए बोला था सी एम आई, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक। तो ये था आपका क्या, एंटीबॉडी की कहानी। तो एक तो हम जान गए ना हमारी इम्यूनिटी आ कैसे रही है, एक तो जन्म के साथ आ रही इनेट के द्वारा, और एक जन्म के बाद आ रही एक्वायर्ड। तो ये समझ आ गया ना कि अभी हम सुरक्षित कैसे हैं, ठीक। अच्छा चलिए ये हो गया हम लोगों का, अभी नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी आपका इम्यूनिटी से एक्टिव पैसिव रिस्पॉन्स, ठीक है, एलर्जी, ट्रांसप्लांटेशन, छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। इससे देखिए क्या शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में, और नीट में तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखेंगे। ओके, थैंक यू।